चल रही है। इस समय न्यूज टीम पहुंची है बिजवंगम ब्लॉक के पिपरा परसौनी ग्राम सभा में, जहां पर एक कोटेदार की दबंगई का मामला प्रकाश में आया हुआ है, जिसमें वह लोगों आम कार्ड धारकों से यह कहता है सारे लोग पैसा ले ले, हम राशन नहीं दे पाएंगे। इस तरह से जो है सरकार की योजना की धज्जियाँ उड़ा रहा है, सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है और जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली की जो है धज्जी उड़ रही है। आइए लोगों से उनकी समस्या पूछते हैं और जानते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह यादव। क्या समस्या यहाँ है? यहाँ समस्या जो है राशन का है। हमारे यहाँ महेंद्र कोटेदार हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनके गाइडलाइन के विपरीत चलता है, मनमानी का काम करता रहता है नेता, आज लोगों से जो है दुर्व्यवहार का काम करता रहता है, घर तौली का काम करता है, लोगों को राशन बांटने में मनमानी अपने हिसाब से करता है कि राशन नहीं देंगे हम जो है पैसा देंगे। कम मिला ला, कम देना, कम देना, कम देना। बराबर कोटा नहीं देता है, पैसा देता है, मनमानी कर रहा, राशन नहीं देता, राशन तो पैसा देता है, पैसा देता है। आपका क्या नाम है? इस बार भी क्या कहेंगे आप? राशन की जगह पहले पैसा मांगता है, जाने में कहता है पहले पैसा ले लो, राशन नहीं देता, राशन नहीं देता, कम देता है। आप क्या कहेंगे? मामला है, कहते हैं कि मोदी जी मुफ्त राशन है, ये अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन मिलेगा, तो यहाँ राशन का यहाँ दिक्कत है, समस्या है। पैसे पहले देते हैं, राशन बाद में देते हैं, और भी वजन भी बहुत कम होता है। अब ये 20 किलो गेहूँ दे तो यहाँ 15-16 किलो निकलता है। विनय गुप्ता, यहाँ कोठेदार आप हैं? नहीं, मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो ग्रामीणों की कुछ शिकायत है कि उनको जबरदस्ती पैसा दिया जा रहा है राशन के बदले, राशन नहीं दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आरोप लगाए हैं वो जबरियन बेबुनियाद बेवजह लगाए हैं, आज तक आरोप नहीं लगा, आज आरोप को वह लगा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा दिया जा रहा है राशन, ग्रामीणों पर जो पैसा का आरोप लगाया जा रहा है वह सरासर गलत है।